नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और पहाड़ प्रभात में विस्तार से बात करेंगे हिमाचल की तमाम खबरों की और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, अहम खबर, हिमाचल के कोल डैम में बड़ा हादसा हुआ है। कोल डैम में फंसे हैं वन विभाग के 5 कर्मचारी, साथ साथ वन कर्मियों के साथ 10 लोग भी फंसे हैं। और आपको बता दें, जानकारी लगते ही राहत बचाव का जो काम था वो तेज गति से शुरू किया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल कोल डैम में कई कर्मचारियों के फंसने की खबर सामने आई है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ 10 अन्य लोग भी फंसे हैं और जो राहत बचाव का काम है वो लगातार जारी है बीती रात से ही। बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो राहत बचाव का काम है वो तेज गति से प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो आसमानी आफत है वो अपना कहर बरपा रही है और अचानक से जो बदलते मौसम है और उसके चलते बदलती परिस्थितियों के कारण ये तमाम वन विभाग के कर्मचारी फंसे और साथ ही साथ अन्य लोग भी इस दौरान फंस गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी जिस तरह से पहुंची, तुरंत शासन प्रशासन के लोग पहुंचे और कोल डैम में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। बड़े स्तर पर यह काम शुरू किया गया और जानकारी मिल पा रही है कि कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ की जो संपत्ति है वो खराब हो गई है, तबाह हो गई है भारी बरसात के चलते। कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आई है जहां पर लोग फंस गए हैं अचानक से आई बाढ़ के चलते, पानी के चलते। बहरहाल इस बीच ये ताजा खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोल डैम में ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर कई कर्मचारी वन विभाग के साथ साथ अन्य लोग भी फंस गए थे और जानकारी लगते ही राहत बचाव का जो काम है वो तेज गति से शुरू किया गया। हिमाचल के कोल डैम में बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश को लेकर भी अलर्ट बना हुआ है, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच खबर सामने आई है कोल डैम में वन विभाग के कर्मचारियों के फंसने की, राहत बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश की आपको बता रहे हैं। 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस वर्तमान में जो मॉनसून सीजन चल रहा है, चाहे मूसलाधार बारिश हो, बादल फटने की घटनाएं हो, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो, इन तमाम संबंधी घटनाओं में 300 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हजारों मकान खराब हो गए, तबाह हो गए बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते, और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बीच इस तरह से जानकारी लगातार सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश में जहां लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है और जानकारी लगते ही मौके पर राहत बचाव का काम भी शुरू किया जा रहा है। वन कर्मियों के साथ 10 लोग फंसे थे बताया जा रहा है और तस्वीरें लगातार देखी किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो फंसे थे। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचे और जो राहत बचाव काम है वो शुरू किया गया और लोगों को रेस्क्यू किया गया। और हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मवीर, आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है कोल डैम में 5 वन कर्मचारी और अन्य लोग में फंस गए थे, मौके पर राहत बचाव काम शुरू किया गया, ताजा स्थिति क्या है? धर्मवीर, आवाज मिल रही है आपको? धर्मवीर, किस तरह से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया जब जानकारी मिली कोल डैम में वन विभाग के कर्मचारियों के फंसे होने की, और ताजा अपडेट्स क्या है? जी रितेश, बता दे कि बीती शाम को जो है सभी लोग जो है बता दे कोल डैम में उतरे थे। इसमें 5 वन विभाग के कर्मचारी थे और 5 स्थानीय निवासी थे, दाव लेकर ये उतरे थे क्योंकि इस समय जो है पूरे ही डैम में जो है जल भराव हो गया है बारिश और जो मानसून सीजन चला है उसके चलते, और वन विभाग के कर्मचारी उतरे थे क्योंकि जो वन विभाग की लकड़ी है वह डैम में पहुंच जाती है और इसी लकड़ी की जो रेकी करने के लिए ये सभी जो है डैम में उतरे थे और एकदम जो है जलस्तर बढ़ गया और मिट्टी और गाद फिल्ट में यह सभी लोग फंस गए, जिसके बाद इन्होंने जो है जिला प्रशासन से जो है मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा और उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी जी खुद मौके पर पहुंचे और करीब 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। सुबह करीब 3 बजे इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी,
बिल्कुल धर्मवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। ताजा अपडेट ये सामने आया है कि जितने भी लोग फंसे थे, कुल 10 लोग फंसे थे, जिसमें 5 वन विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को तड़के 3 बजे के आसपास तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खबर, राहत की जानकारी यही सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि जो कॉल डैम में पन बिजली परियोजना है, उसमें दरअसल बांध में तमाम वन विभाग के कर्मचारी उतरे थे और तभी फंस गए थे। धर्मवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट के साथ, पल पल की जानकारी, किस तरह से पूरा ऑपरेशन लोगों को बचाने का अमल में लाया गया उसकी जानकारी दे रहे हैं। धर्मवीर, आखिर घटना किस तरह से हुई, क्या इसको लेकर जानकारी मिल पाई है? क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है, और ऐसे में खबर सामने आई कि कॉल डैम में वन विभाग के कर्मचारी फंसे, अन्य लोग भी फंसे, और जिस तरह से आपने भी बताया राहत की बात कहीं ना कहीं कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब बता दें कि रितेश, हर साल जो है डैम में पानी भरता है बारिश के दौरान, और इस दौरान जो है भारी मात्रा में जो है वन विभाग की लकड़ी जो है डैम में पहुंच जाती है। इसी लकड़ी की रेकी यानी जांच करने के लिए ये वन विभाग के कर्मचारी जो है स्थानीय लोगों के साथ जो है इस डैम में उतरे थे, और इस दौरान जो है यह सभी लोग उस दौरान फंस गए, और इन सभी लोगों ने जो है जिला प्रशासन से जो है मदद की गुहार लगाई। हालांकि इनके पास भी नाव थी, इसके बावजूद यह सभी लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि जो लकड़ी और गाज थी उसमें यह सभी लोग फंस गए थे। उसके बाद इन्होंने जो है रेस्क्यू की जो है गुहार लगाई, और उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी भी जो है मौके पर पहुंचे बीती रात को, और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सुबह करीब 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित निकाला गया है। वहीं इसके साथ बता दें कि जो है ब्यास नदी में जो भारी मात्रा में जो है लकड़ी पिछले दिनों जो है बीती 8-9 जुलाई को जो बारिश हुई थी उस दौरान भी पहुंची थी, यह लकड़ी भी जो है कांडा पतनिया कहा जाए कि पौंग डैम में पहुंची है। वहां भी इसी तरह का जो है लकड़ी को जो है जांच की जाती है, जो वन विभाग के तहत जो वन विभाग के तहत जो स्थान आता है उस स्थान के जो है कर्मचारी या कहा जाए वन विभाग के जो है अधिकारी वहाँ पे तैनात होते हैं, और लकड़ी की जो है रेकी जांच की जाती है, और उसको जो है फिर से जो है उन डिपो में पहुंचाया जाता है। जी धर्मवीर, एक और सवाल है, चूंकि रात के वक्त ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया राहत बचाव को लेकर, निश्चित तौर पर इसमें परेशानियां भी शासन प्रशासन को आई होंगी लोगों को रेस्क्यू करने में। ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया, चूंकि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था? ये बता दें कि एनडीआरएफ टीम को जो है मौके पर बुलाया गया था, और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ के जो है तहत किया गया है, और डीसी मंडी भी जो खुद मौके पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए किस तरह से जो है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां होती है क्योंकि रात का समय था, और रात के समय में जो है परेशानियां भी होती है। एनडीआरएफ के जो टीम थे जो वो लगातार डटे रहे और इन लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी धर्मवीर, क्या जानकारी मिल पा रही, जो वन विभाग के कर्मचारी थे क्या वो अपर्याप्त व्यवस्था के तहत उतरे थे जायजा लेने के लिए, क्या पूरी व्यवस्था नहीं थी जब ये लोग तमाम पहुंचे थे वहां पर? नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। वन विभाग की तरफ से इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है अभी तक दी जा रही है, और ना ही इस तरह की जो है कोई भी, अगर हम कहे कि इसमें जो है लापरवाही बरती गई है, क्योंकि यह काम जो है कर्मचारियों का जो बरसात के दौरान जो है हमेशा रहता है कि वन विभाग अपनी लकड़ी की रेकी करता है, और इसमें जो है तो सुरक्षा भी जो है उन कर्मचारियों की दी जाती है। बताया जा रहा है कि सिल्ट और गार्ड बनने की वजह से यह सब लोग फंसे थे जिनको जो है सफल जो है रेस्क्यू किया गया है। जी धर्मवीर, एक आखिरी सवाल, और कितनी विकट परिस्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश की बात करें, मंडी की बात करें, बनी हुई है, चूंकि ये पहली घटना नहीं है इस तरह की सामने आई हो, इससे पहले भी जब से जो मानसूनी सीजन चल रहा है उसमें इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या हालात अभी ग्राउंड पर बने हुए हैं, क्योंकि बारिश को लेकर भी अलर्ट जो विभाग है मौसम विभाग उसकी ओर से जारी किया गया, यानी आने वाले समय मुश्किलें कम होने वाली तो नहीं है? जी रितेश, बता दें कि बीती 8-9 जुलाई से ही जो है भारी बारिश जो है कहर बनकर बरप रही है पूरे ही प्रदेश में। मंडी जिला भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि मंडी जिला में भी हालात जो है बदतर बदतर बने हुए हैं। लगातार अभी जो 13-14 अगस्त की बारिश हुई उसमें भी जो है जगह जगह जहां लैंडस्लाइड की घटनाएं है, वहीं सैकड़ों मकान और लोगों के घर या कहा जाए पशुशालाएं भी जो है इस जद में आई है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और आज भी वो शेल्टर कहीं ना कहीं शेल्टर लेकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से उनको यहाँ वहाँ ठहराया गया है। अभी जो है ताजा अपडेट की बात की जाए मौसम विभाग के, तो आगामी 2-3 दिनों तो एक बार फिर से जो है मौसम विभाग ने जो है बिल्कुल धर्मवीर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, चूंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से आपको पहले बताया कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं पहाड़ों पर। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। एक आंकलन के अनुसार 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन घटनाओं में। और इस बीच जब एक बार फिर भारी बारिश की आशंका जताई गई है, ऐसे मुश्किलों का सामना आने वाले दिनों में भी लोगों को करना पड़ सकता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आपदा का जायजा लिया। हिमाचल पहुंचकर सबसे पहले सिरमौर जिले के सतौन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और इसके बाद वो शिमला के तबाह हुए शिव बावड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाद उन्होंने कृष्णानगर में स्लॉटर हाउस और क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे, इस बात की हमें आपको गारंटी दी। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। जेपी नड्डा के सामने हिमाचल का पक्ष रखा है। आपको बता दें कि बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। सिरमौर के सतौन में उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की जो त्रासदी है, इस वक्त की जो आपदा है, जो गंभीर स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं पक्ष रखा है जेपी नड्डा के सामने। मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। जो केंद्र सरकार की ओर से राहत है वो मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द राहत मिले, ये भी उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है हिमाचल पहुंचकर। दरअसल दिल्ली दौरे पर थे सीएम सुक्खू और वापस लौटकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, हिमाचल की जो स्थिति है उसका ब्यौरा दिया है। और मांग एक बार फिर वही है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बड़ी राहत प्रदेश को दे, आर्थिक पैकेज प्रदेश को दे, ताकि जो मुश्किल वक्त है उसमें लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, राहत उन तक पहुंचाया जा सके। और आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर भी उनकी ओर से पलटवार किया गया। राष्ट्रीय आपदा घोषित करना कोई विषय नहीं है, कहना है नड्डा का केंद्र सरकार हिमाचल को देगी हर संभव सहायता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, राजनीति करनी भी नहीं चाहिए और जो संभव सहायता है केंद्र सरकार की ओर से वो हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी, ये उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने स्टेट का SDRF का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने हिमाचल पहुंचे। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने पहले सिरमौर का दौरा किया जिसके बाद शिमला पहुंचे और इस बीच हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता हिमाचल आ रहे हैं लेकिन बहुत देरी से आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा, जगत प्रकाश नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ एक दिन के हिमाचल दौरे पर लाना चाहिए, यहां आने पर प्रधानमंत्री हालात देखेंगे तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मगर ये केवल जो है इस तरीके से एक आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते हैं। इस समय प्रदेश को हम कब से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कब से बोल रहे हैं कि हिमाचल में आप राष्ट्रीय आपदा जो है उसको घोषित करें, वो नहीं हुई है। स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी से मांगा गया है, वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है। ये जो पैसा NDRF में हिमाचल को मिला है, ये पैसा हमको रूटीन में वैसे भी मिलना था क्योंकि हर साल हर वित्तीय वर्ष में हर प्रदेश को ये पैसा दिया जाता है। ये ज़रूर है कि जो किश्त हमको दिसंबर में आनी थी उसको जो है वो प्रीपोन करके उन्होंने सितंबर अगस्त के महीने में जारी कर दी, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मगर एक विशेष पैकेज जो प्रदेश को मिलना चाहिए था वो प्रदेश को अभी तक नहीं मिला है। मैं आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूँ, ना मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुए घरों को देखने पहुंचे और उन्होंने नूरपुर के लदौड़ी, मिजरग्रह और जोटा पंचायत के मौके पर जाकर पीड़ितों से हालचाल जाना और उन्हें सरकार से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश के कई जगहों में शिमला, मंडी, कुल्लू में भारी नुकसान हुआ है, सरकार इन लोगों की मदद के लिए इन लोगों के साथ है। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुंदर पंचायत में 5 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की। पंचायत में जाके आए, यहाँ पे जमीन दरकी है, पहाड़ दरक गए हैं जिससे कि मकान खिसक गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और जो अभी हमने खासतौर से ज्वाली का अभी देखा वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा विनाश हो गया है एरिया का। और यहाँ भी जो जोंटा में यहाँ भी जमीन दरक रही है तो इसका अब भूवैज्ञानिकों से सर्वे करवा के पता लगेगा कि क्या क्या पहाड़ी की क्या स्थिति है क्योंकि ये नए पहाड़ हैं शैशवकाल के और इस पे अगर छेड़छाड़ हुई हो तो नुकसान हो रहा है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में आई आपदा के बाद प्रदेश कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से एक बड़ी आर्थिक पैकेज की मांग कर रही है। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने हर चुनावी रैली के दौरान हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताया लेकिन ना तो उनकी ओर से सांत्वना के 2 अक्षर सुनने को मिले और ना ही आर्थिक पैकेज मिला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनकी ओर से लगातार प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की गई लेकिन अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आज की तिथि में हम स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को स्मरण करते हैं, उनका जन्म दिवस है और जो उनका योगदान रहा उसको याद करते हुए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जिसका हम फायदा उठा रहे हैं वो उनकी सोच थी, उनकी देन थी जिसकी वजह से भारत ने बहुत उन्नति और तरक्की की है।
हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई और लगातार जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।